बिहार में 2200 कोरोना संक्रमित मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने 2200 कोरोना संक्रमित मृतकों के आश्रितों को 4.5 लाख रुपए प्रति मामले में मुआवजा भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि कोरोना संक्रमित मृतकों के दावों की जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग मुआवजा भुगतान को लेकर अपनी अनुशंसा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा। इसके माध्यम से सभी संबंधित जिलों में मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित आश्रितों के बैंक खाते में किया जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमित मृतकों के मुआवजा भुगतान के नियमों के सरल होने से मृतकों के आश्रितों की उम्मीदें बढ़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए नए निर्णय के अनुसार कोविन पोर्टल पर संक्रमित मृतकों के नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में भी आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर विभाग द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जनों के पूर्व में ही निर्देश दिया जा चुका है। ऐसे में जिन मामलों में कोविन पोर्टल पर संक्रमित मृतकों के नाम दर्ज नहीं होने के कारण दावा भुगतान के मामले लंबित थे, उनके निपटारे में तेजी आई है। जिलों से वैसे सभी प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर जांच किए जाने के बाद सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमित मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी की भी संभावना है। आपको बता दें कि इस मामले में साफ निर्देश दे दिया गया है कि कोरोना से हुई मौत में अनुदान देने में कोताही नहीं बरती जाए। उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग के सभाकक्ष में राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य में कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को दिए जा रहे अनुग्रह अनुदान के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जब घोषणा कर चुके हैं कि राज्य में किसी दूसरे जिले में भी मृत्यु होने तथा डॉक्टर द्वारा कोविड से हुई मृत्यु का प्रमाण पत्र देने पर मृतक के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा देय अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा तथा अब कोविन पोर्टल पर नाम होने की बाध्यता भी नहीं है, तब मृतकों के परिजनों को भुगतान में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। कार्यपालक निदेशक संजय सिंह ने बताया कि अब तक 12,961 मृतकों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि भेजी जा चुकी है। अनुदान से संबंधित आवेदन जिलों से लगातार आते रहे हैं। 2,116 और आवेदन की संपूर्ण जांच कर ली गई है, जिसकी जिलावार सूची आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दी जाएगी। तो इससे यह बड़ा फायदा हो गया है कि 2200 कोरोना से मृतकों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, यानी पैसे इन लोगों को मिलेंगे, चाहे कोविन पोर्टल पर नाम हो या ना हो। आपके उचित दस्तावेज की जांच के बाद आपको अनुग्रह राशि दे दी जाएगी।